दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद जाधव। मैं आज देश के सबसे अहम मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, जिस मुद्दे पर आपने कभी चिंतन और मनन नहीं किया होगा। धारा 370 हम और आप सुनते हैं, पूरे भारत के लोग जानते हैं कि कश्मीर में 370 धारा है। तो आखिर 370 धारा वहां है तो क्यों है? क्या 370 धारा लागू करके स्पेशल अधिकार और दर्जा दिया गया है कश्मीर को? क्यों नहीं हमारे स्वतंत्र भारत के झंडा को वहां फहराया जाता है? हमारे झंडा का वहां उल्लंघन किया जाता, अपमान किया जाता है, जलाया और फाड़ा जाता है, कुचला जाता है, और हम और हमारे नौजवान देखते रहते हैं। हमारे शहीद नौजवान जब वहां ड्यूटी में रहते हैं तो कश्मीरी हमारे झंडा का अपमान करते हैं और हम उसको सहते हैं। एक स्वतंत्र भारत जिसमें अलग कानून, अलग वहां का झंडा, अलग वहां का मानने वाले का अधिकार, क्यों ऐसा हमारे देश में है? हम 370 धारा का विश्लेषण आज आपके सामने कर रहे हैं, करना चाहते हैं कि हमारे देश के झंडा को वहां नहीं फहराया जाता, कश्मीर में अलग झंडा फहराया जाता है। कश्मीर की लड़कियां पाकिस्तान के लड़कों से शादी करती है तो उसे कश्मीर में नागरिकता मिलता है और वो कश्मीर में रहता है। और हमारे लोग अगर कश्मीर की लड़की से शादी करें तो लड़की की नागरिकता खत्म हो जाती है। कश्मीर में रहने वाले लोगों को दो नागरिकता है, एक भारत का और एक कश्मीर का। कश्मीर में वही पाकिस्तानी जो वहां की लड़कियों से शादी करते हैं और वो आकर कश्मीर में रहते हैं, उनके कारण ही वहां आतंकवाद पनपता है और आतंकवाद फैलता है। उसी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, उसी के माध्यम से आतंकवादी का प्रवेश वहां होता है। वो हमारे भारत के दुश्मन हैं, हमारे देश के दुश्मन हैं, और ये 370 धारा का लाभ उठाकर हमारे साथ खेल खेलते हैं। वहां के पंचायतों को कोई अधिकार नहीं है। वहां का विधानसभा का सत्र 6 साल का और हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों का 5 साल का। वहां का झंडा अलग, हिंदुस्तान का झंडा अलग। वहां हम जमीन नहीं खरीद सकते, हम नहीं रह सकते, लेकिन कश्मीर के लोग भारत के किसी भी कोना में जाकर जमीन खरीद सकते हैं और रह सकते हैं। हमारे संसद को रक्षा, संचार, विदेश का, विदेश नीति को बनाने और बदलने का अधिकार केवल है। बाकी सारे अधिकार कश्मीर के नेताओं के हाथ में है। हमारे संविधान के मुताबिक जो देश चलते हैं उस संविधान से उसका अलग संविधान है। हमारे देश के राष्ट्रपति उसके संविधान को बदल नहीं सकते। फाइनेंस इमरजेंसी लगे तो कश्मीर में नहीं लगेगा, पूरे देश में लगेगा। यह है दोहरी हमारे देश की कानून। एक स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में एक झंडा, एक कानून, एक अधिकार नागरिक का होना चाहिए। आज हमारे भारत की कमियों के कारण हमारे देश के जवान शहीद होते हैं और हम हाथ पर हाथ रखकर चुप कर बैठे रहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत जनता ने दिया, इसलिए जनता ने पूर्ण बहुमत दिया कि आप बदलाव लाओगे, आप कश्मीर का 370 धारा खत्म करोगे, आप उसके अधिकार का कटिंग करोगे और एक भारत के अंदर में उसे लाओगे। मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कहा कि मैं स्वतंत्र रहूंगा, और वो स्वतंत्र देश के रूप में
रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी गुरिल्ले ने वहां हमला करके कश्मीर के कुछ पार्ट को कब्जा किया। फिर उसने विनती की तो हमारे भारत के सैनिक ने जाकर कश्मीर को अपने में मिलाया। यानी कि जो वहां के राजा हरि सिंह थी वो भारत में मिलना चाहते थे, जबरदस्ती कश्मीर के कुछ पार्ट को पाकिस्तान ने कब्जा किया, और वही कब्जा के कारण आज आजादी के समय से लेके अब तक यह विवाद चलता आ रहा है। हमारे देश के नेतागण कभी इस मुद्दा पर बात नहीं करते, कभी इस मुद्दा को खत्म नहीं करना चाहते। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोगों को उम्मीद और आशा जुड़ी हुई थी कि 5 साल में वो इस मसला का हल करेंगे, लेकिन आज ये हल हुआ कि हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे सैनिकों को पूर्ण अधिकार अब दिया गया। एक जवान जो भारत के तिरंगा के लिए जान न्यौछावर करते और उसके सामने भारत के झंडा का अपमान किया जाता है, वो खून का घोंट पीकर वहां रह जाते हैं। हमारे देश के सैनिकों को पत्थरबाजी की जाती है वहां के लोगों के द्वारा, इसलिए कि वहां के लोगों को, कश्मीर के लोगों को पाकिस्तानियों का सह है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आज विनती करते हैं और धमकी देते हैं, क्या हमारे भारत के सैनिकों में ताकत नहीं? क्या हमारे भारत के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं? क्या हम लड़ नहीं सकते? क्या पूरे भारत के जनता की जो आवाज है उस आवाज को क्या प्रधानमंत्री सुन नहीं रहे? देश के जनता की आवाज है कि हमें बदला चाहिए, हमारे देश के जितने नौजवान जवान शहीद हुए हैं उसकी बदला स्वरूप सर चाहिए आतंकवादियों का। हमारे देश के कुछ कमियां हैं जिसके कारण इस प्रकार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है कि वहां के कानून को खत्म किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने एक याचिका दायर अश्वनी कुमार ने किया और उसने विनती की कि सर 370 धारा खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने स्वीकार किया, बहुत जल्दी इस पर कुछ न कुछ विचार किया जाएगा। मैं देश के प्रधानमंत्री से विनती करना चाहता हूं कि 370 धारा को आप खत्म कर दें चुनाव के पहले, स्वतंत्र रूप से भारत के अंदर में उसे मिला लें। हमें भी अधिकार हो कश्मीर में जमीन खरीदने का, हमें भी अधिकार हो वहां की लड़कियों से शादी करके वहां रहने का, फिर सारा मामला सिमट जाएगा। आज कश्मीर के लोग पाकिस्तान के लोग से शादी करते हैं और उसे यहाँ नागरिकता मिलती है। कश्मीर के लोगों को 2 नागरिकता है, एक इंडिया का, दूसरा कश्मीर का। आज कश्मीर के पंचायतों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। कश्मीर का कार्यकाल 6 साल का है। क्या है ये? स्वतंत्र भारत में हम रहते हैं, लेकिन हमारे भारत के एक कोने में कानून अलग है, एक कोने में झंडा अलग है, एक कोने में हमें बसने का अधिकार नहीं है, एक कोने में हमें रहने का अधिकार नहीं है, एक कोने में हमें शादी करने का अधिकार नहीं है। हमें पूर्ण अधिकार चाहिए, तब मसला हल होगा कश्मीर का। कश्मीर के मसला को हल करना है तो वहां 370 धारा सर्वप्रथम खत्म करना होगा। हरि सिंह ने हिंदुस्तान में मिलने की बात कही थी, 370 धारा लागू करके एक नया संविधान वहां के लिए बना के संविधान में संशोधन करके जो बनाया गया, यह आज हमारे लिए घातक साबित हुआ। देश आजाद होने से अब तक जितने भी वहां उपद्रव हुए हैं इसी धारा के कारण हुआ है। इस धारा को खत्म करने के बाद हमारे देश का सारा मसला हल हो जाएगा, हमारे देश के नागरिक शांति से रहेंगे और कश्मीर के जो नागरिक हैं वो भी शांति से रहेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आज विनती करते हैं और सबूत मांगते हैं और धमकी भी देते हैं, क्या हमारे भारत के जवानों में शक्ति नहीं है? क्या वो लड़ नहीं सकते? सब कुछ कर सकते हैं,
हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जनता की नजर टिकी हुई है। जनता उम्मीद करती है कि 370 धारा खत्म करके जनता के उम्मीद पर खड़ा प्रधानमंत्री जी उतरेंगे, चूंकि चुनाव का समय है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।